हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अनादर वीडियो ऑफ थ्री डिजाइन ज्वेलरी। आज की इस वीडियो में हम रेंडर करना सीखेंगे। बहुत ही बेसिक रेंडर मैं आपको आज बताने वाला हूँ। रेंडरिंग बेसिकली नीड होती है हम आपको किसी भी कस्टमर, किसी भी क्लाइंट को अपने 3D मॉडल का ओवरव्यू देने के लिए, या फिर वो प्रोडक्ट दिखता कैसे है या दिखेगा कैसे या बन करके कैसे आएगा, तो उसके लिए हम रेंडर क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज एक बनी बनाई रिंग में आपको एक रेंडरिंग फाइल कैसे क्रिएट करते हैं और रेंडर कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या हम सेटिंग यूज करते हैं, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इस फाइल को हम पहले कहीं सेव करेंगे। अब इसके बाद हम इसकी एक रेंडर फाइल हम रेडी करेंगे। इसकी रेंडर फाइल हम कैसे क्रिएट करते हैं, अब सपोज ये हमें कस्टमर को दिखानी है, तो उसके लिए हम इसके लिए एक रेंडर फाइल हम जनरेट करेंगे। रेंडर में बेसिकली हमारे सारे प्रॉम्प्ट्स डाउन होते हैं, जितनी भी हमारी एजेस, शार्प एजेस होती हैं, वो सब फिलेटेड होती हैं, सब स्मूथ होती हैं, उनको हम कर्व्स के थ्रू स्मूथ करते हैं। तो आइए इसमें हमारे ये प्रॉम्प्ट्स को हम थोड़ा सा डाउन करेंगे। नाउ स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेंडरिंग वाली फाइल। नाउ रेंडरिंग वाली फाइल के सबसे पहले हम इसमें प्रॉम्प्ट को कट कर रहे हैं। प्रॉम्प्ट को कट करने के बाद हम यहाँ पे एक स्फीयर एड ऑन करेंगे, सॉलिड मेन्यू। यहाँ पे एक स्फेयर एड ऑन करा, 2 पॉइंट। इसको नहीं, इसको डिलीट करते हैं। नाउ हम वापस अपना स्टोन लेकर के आते हैं। जो भी हमने स्फेयर एड ऑन करा, हम इसको यहाँ पे डाउन कर देते हैं। हल्का सा स्टोन को मूव कर दे ताकि ये टच टू टच लगे बिल्कुल हमारा। नौ अब हमारे ये प्रॉन्ग बिल्कुल टच टू टच है। नौ अब इन सारे प्रॉन्ग्स को हम डिलीट करेंगे। नौ इसको हम ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग करने के बाद इसको अरे पोलर करेंगे। ट्रांसफॉर्म मेन्यू है, ट्रांसफॉर्म मेन्यू में अरे पोलर 6। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें हमारी कोई शार्प एजेस नहीं है। हमारी जो एक शार्प एजेस थी, जो प्रॉन्ग्स थे, वो हमने काम कर देंगे। ये रेंडर फाइल बनाने से पहले ध्यान जरूर रखिएगा, हमने एक फाइल जरूर सेव कर लीजिएगा, ताकि कुछ ताकि कहीं ऐसा ना हो कि आप उसमें ओरिजिनल फाइल में ही आप अपने प्रॉम्प्ट्स को डिलीट कर दीजिएगा। कोई फाइल एक रेंडरिंग के नाम से सेव, सबसे पहले रेंडरिंग के नाम से सेव करके ही उस पर वर्क करिएगा। नहीं तो क्या होता है, हमारी जो ओरिजिनल फाइल होती है उसमें हमें फिर से रीवर्क करना पड़ता है आफ्टर मेकिंग अ रेंडरिंग। नाउ हम रेंडरिंग के व्यूज, जो भी हमें 4 व्यूज दिखाने होते हैं, हम यहाँ पे यूज करेंगे रोटेट 3D 90। हिस्ट्री को ऑफ कर देंगे हम ताकि कोई दिक्कत ना। नाउ यहाँ पे हमारा रोटेट 3D का बहुत बड़ा रोल है। रोटेट 3D हमारा परपेंडिकुलर पे वर्क करता है। रोटेट 3D, नाउ 90। ये हमारा हो गया फ्रंट व्यू। ना इसको आप थोड़ा सा गम्बल से हल्का सा पीछे का शैंक वाला व्यू भी दे सकते हैं, जो देखने में बहुत अच्छा लगता है। रिंग का पूरा व्यू इसमें दिखता है। नाउ अब हम देंगे एक पर्सपेक्टिव व्यू। तो ये हमारा एक पर्सपेक्टिव व्यू है, 45 डिग्री। हमने 2 बार 45 डिग्री प्ले करा तो ये हमारा पर्सपेक्टिव व्यू। इसको आप अपनी तरीके से इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, जितना आपको टिल्ट दिखाना है, जितना दिखाना है इसमें। थोड़ा सा इसको पास पास कर देते हैं ताकि व्यू देखिए, फ्रेम हमारा थोड़ा सा ब्लैक बड़ी सी नजर आए। इन दोनों को हम थोड़ा पास पास कर देते हैं। नाउ
अब हम जाएंगे रेंडरिंग मेन्यू में। रेंडरिंग मेन्यू में सबसे पहले हम चुनेंगे हम ग्रीन, ग्रीन सरफेस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, हम बना रहे हैं वाइट गोल्ड की रिंग, तो वाइट गोल्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। ये हमने व्हाइट गोल्ड सेलेक्ट करा। नाउ डायमंड को हम सेलेक्ट करेंगे। डायमंड को सिलेक्ट करेंगे। डायमंड इसमें थोड़ा सा ब्लैक है, हम इसकी डार्क इसके कलर को थोड़ा सा हम इम्प्रूव करेंगे। हल्का सा हमने व्हाइट कर दिया इस कलर को। नाउ अपडेट पे क्लिक करते हैं, हमारी डायमंड हमारा थोड़ा सा व्हाइट हो गया। नाउ अब हम इसको यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। डायमंड जैसे ही हमने अभी हमने जो भी चेंज करा, हम इसको बाय डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते, चेंज सेव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल सेव है, नाउ डायमंड वन करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे हमने इसका ये रीनेम दे दिया। तो हमारा जब भी आपको डायमंड यही लगाना हो, तो हम आप इसी को ही हम क्लिक कर सकते हैं। नाउ अब हम इसमें क्लिक करते हैं रेंडर में। हमारा बाई डिफॉल्ट क्लासिक फास्ट होता है, क्लासिक फास्ट होता है, और उसके बाद हम सबसे ज्यादा फुल एचडी 1920x1080, डिपेंड करता है आपके पीसी की स्पीड के ऊपर। अगर आपके पीसी की स्पीड ज्यादा नहीं आ रही है, तो आप थोड़ा सा कम रेजोल्यूशन में भी आप दिखा सकते हैं, इमेज उसमें भी बहुत अच्छी आती है। नाउ हम इसमें रेंडर को राइट व्यू से क्लिक करके देखेंगे। ना ये हमारा रेंडर बन करके रेडी है, लेकिन अभी इसमें आप देखेंगे कि इसमें ये रिफ्लेक्शन काफी सारी आ रही है एक दूसरे पीस की। तो इसको दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टॉप व्यू में जाएंगे, टॉप व्यू में जाएंगे, इसको यहाँ से दूर कर देंगे, देन इसको यहाँ से दूर कर देंगे, एंड देन थोड़ा सा इन सब के बीच में गैप गैप मेंटेन कर देंगे थोड़ा सा। नाउ अगर आप फ्रंट व्यू में देखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे आपके रेंडर की रिफ्लेक्शन काफ़ी स्मूथ हो जाएगी। नाउ आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन रेंडर है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।